पाँच बजे इसी पड़ा है सर जी। तो पाँच बजे आया, पाँच बजे पानी चढ़ता है दुकान में सर, पानी हम लोग झाड़ू मारते, फिर पानी चढ़ते, फिर झाड़ू मारते, फिर पानी जाता, फिर चढ़ता है पानी। अस्ट वस्ट में थोड़ा आता, हम लोग पार्सल देता बाहर, किसी को खाना खाता नहीं, क्या जो भी पार्सल देता सर बाहर से लेके के पार्सल छोड़ देता सर। नाली के बारे में, नाली सफाई नहीं है बोल के इस तरह होता है ये? कब कब से होते हैं? इस साल में ज्यादा हुआ। हाँ, इस साल में ही ज्यादा पानी पूरा ना, आना का जाना का बहुत प्रॉब्लम है, पूरा पानी भर जाता है, दुकान डालने का भी नहीं होता। तो यहाँ पर नमस्कार, न्यूज साप्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हम खड़े हैं फोनिक्स पावर हाउस के यहाँ पर, और हम आपको बता दें कि यहाँ पर अभी कुछ देर पहले यहाँ पर बारिश हुई थी, और बारिश होने के कारण एक 5-10 मिनट की बारिश हुई थी, और उस बारिश में आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप देखिए वो व्यक्ति यहाँ से चल के जा रहा है, और उसके जस्ट बगल में जो है एक ड्रेन है, आप देखिए वो ड्रेन का वहाँ पर आपको देखिए एक कलवट है, एक और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पर लोग जो है यहाँ पर फल सब्जी फल वगैरह यहाँ पर सेल्स करते हैं, और देख के कि उनके उनका जो सामान है वो यहाँ पर सामान भी ख़राब हो चुका है, और इस वीडियो में आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए लोग वहाँ पर आधा मतलब उनका जो पैर है वो पानी के अंदर ही है वहाँ पर। अब देखिए लोग यहाँ पर कुछ यहाँ पर मच्छी वगैरह सब लेके यहाँ पर सेल भी करते हैं। एक व्यक्ति यहाँ से आ रहा है, तो आइए हम उनसे बात करते हैं। ये पानी कब भरा? अब भरा, अभी अभी। आप लोग यहाँ पर दुकान रखे? हाँ रखे। कौन सा दुकान है आपका? मेरे उधर लाइन से। हाँ, तो अभी आप तो दुकान नहीं रख सकते यहाँ पर? नहीं रख सकता है, देखिए पूरा पानी भरते है जी। आपका नाम? बाबू रव। आपका दुकान है यहाँ पर? हाँ, मच्छी भीड़ करते। तो अभी तो यहाँ पर तो सारा गंदा पानी घुस चुका है, पूरा पानी नहीं जाता बाबू। हाँ, इसलिए पूरा प्रॉब्लम होने हो जाता दुकान। तो ये चीज आज तो पहला बार नहीं हुआ, इससे पहले भी हुआ है? हाँ, पहले भी गड़गड़ को इस तरह हुआ था बाबू। हाँ, पूरा पानी भर जाता वो सारा। तो मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा जरा दिखाने के लिए, वो देखिए आप नाला है वो वहाँ पर, और नाला के जस्ट बगल देखिए, और यहाँ पर भी पानी भर चुकी है। तो आप लोग अभी ऐसा रहेगा तो आप लोग मतलब कैसे यहाँ पर सेल सब करेंगे? बहुत तकलीफ हो जाता बाबू। हाँ, पानी पूरा ना, आना का जाना का बहुत प्रॉब्लम है, पूरा पानी भर जाता है, दुकान डालने का भी नहीं होता। तो यहाँ पर जब भी पानी भरती है म्युनिसिपल वाले आके कुछ करते हैं? सफाई करता है कभी कभी, आके सफाई करता है, सुबह झाड़ू मारता है, आके नाली सफाई करता है। तो अभी आप लोग तो यहाँ पर मच्छी बिक्री करते हैं राइट? तो अभी आप लोग कैसे आप लोग सेल्स करेंगे? मगर बारिश है ना, नाली पानी हो गया ना, फिर बिक्री नहीं कर, मुश्किल हो जाएगा। तो अब देखिए इस वीडियो में एक गाड़ी भी आई है, और आप देख सकते हैं उसका जो टायर है आधा पानी में डूब चुका है। तो आप इसी से आप देख के आप यहाँ पर देख के समझ सकते हैं कि इन लोगों को यहाँ पर बिजनेस करना कितना मुश्किल होता है। और देखिए वो दूर पर ही है वो, वहाँ पर कुछ लोग सब्जी और मच्छी वहाँ पर बिक्री करते हैं, और हम आपको ये भी दिखाते हैं रोड का। आप ये देखिए, आप देख सकते हैं इस वीडियो में अभी कुछ लोग यहाँ से चल कर जा रहे हैं, आप देखिए कितनी तकलीफ होती है उन्हें। और ये है हमारा पोर्टलर सिटी, जिसे हम ग्रीन सिटी क्लीन सिटी कहते हैं, ये है यहाँ का क्लीन, और ड्रेनेज और रोड और एकदम बराबर मतलब एक लेवल पर ही है। यहाँ पर कुछ भी हादसा हो सकता है यहाँ पर जितना नाली का कचरा है, ड्रेन ब्लॉकेज होने के कारण सारा पानी जो है वो रोड पर आ चुका है सारा पानी। और देखिए सामने जो जितने ऑफिस है वो ऑफिस में भी वो सब पानी जा रहा है, और यहाँ पर जो लोग अपना पेट पालने के लिए दुकान लगाते हैं उनका दुकान को भी यहाँ पर प्रॉब्लम होता है। देखिए लोग यहाँ पर दुकान नहीं लगा सकते। देखिए आप, अब ये है फोनिक्स बे पावर हाउस के अपोजिट में, देखिए यहाँ पर होटल है, टी शॉप है, एक जेरोक्स शॉप है, एक ऑटोमोबाइल शॉप है, और एक गैरेज है। आप देखिए यहाँ पर, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा ज़रा दिखाने के लिए, देखिए यहाँ पर पानी यहाँ पर भर चुका है, और आइए यहाँ पर होटल में काम करते हुए एक व्यक्ति से हम बात करते हैं। चार पाँच साल से पानी तरह भरते हैं सर, 10 मिनट पानी से भर जाता है सर,
फिर मेरा कस्टमर आता नहीं, इसका चले जाता सर बिजनेस। कस्टमर सर कहाँ से आएगा? देखिए कस्टमर यहाँ पर आता है खाने के लिए, जब ये यहाँ पर पानी रुक काला पानी जो अंदर इसके अंदर घुसेगा देन सारी गंदगी जाएगी, तो लोग यहाँ पर खाने कहाँ से आएंगे? वो तो सर आदमी लोग आ रहा चला जाता, बोलते गंदगी से कैसे आएगा, खाना तो खाता नहीं, हमारा बिजनेस होता नहीं सर, हम लोग तंग कर नहीं सकता, कैसे तंग कर देंगे सर, इतना आदमी हम लोग का कंपनी का आदमी है, 7 आदमी काम करता है, इसको तंग का आधा देता, अभी फुल तंग किसको देता नहीं है, अभी आधा हम लोगों को किराए में जाता सर, हम लोग कैसे चलेंगे पेट सर। आपको आपका ये कहना है कि आपको यहाँ पर आधी तनख्वाह मिलती है, क्योंकि हम हमेशा यहाँ से गुजरते हैं और हम देखते हैं जब भी बारिश होती है तो यहाँ पर जितने भी दुकान होती है सारी दुकान बंद होती है। इससे पहले भी हम यहाँ पर वीडियो बना चुके हैं, यहाँ पर एक दुकान वाले ने हमसे बात की थी और आज तो आपकी होटल आज खुली है इसलिए हम आए आपसे बात करने के लिए। तो आप बताइए सुबह से ये ऐसा ही है सर? सुबह 5 बजे इसी पड़ा है सर जी, तो 5 बजे आया, 5 बजे पानी चढ़ता है दुकान में सर, पानी हम लोग झाड़ू मारते फिर पानी चढ़ता, फिर झाड़ू मारते फिर पानी जाता, फिर चढ़ता है पानी, अस्टमा थोड़ा आता हम लोग पार्सल देता बाहर, किसी को खाना खाता नहीं क्या, जो भी पार्सल देता सर बाहर से लेके पार्सल छोड़ देता सर, एज 5-6 साल देखता सर, हम दुकान में 4 साल हो गया, अभी हम 5 साल होने वाले दुकान में, तो ये देखते इसलिए देखते सर हम। मतलब 5 सालों से ऐसा ही होता है सर? तो आइए जैसा अभी एक दुकान वाले ने हमें बताया और ये होटल, तो हम आपको बता दें कि होटल्स में अगर इतनी गंदगी रहेगी तो लोग कहाँ से खाएंगे? गलती इनकी भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो ड्रेनेज जो ब्लॉक होता है, ब्लॉक होने के कारण यहाँ पर जब भी बारिश होती है और सारा पानी जो है ऑटोमोबाइल शॉप होटल्स और जितने यहाँ पर दुकान है सबके अंदर चले जाता है और हमेशा ये लोग दुकान बंद कर देते हैं। तो आप देख के वहाँ पर वो व्यक्ति चल रहा है, देखिए होटल के अंदर अभी भी पानी है, देखिए और ये देखिए ऑटो यहाँ पर ऑटोमोबाइल शॉप जो है, ये देखिए ये ऑटोमोबाइल शॉप के अंदर तक है पानी और ये उसका बगल गैराज है और ये सब एनिकोफेड जो है ये उनका है, एनिकोफेड का है और ये लोग यहाँ पर मतलब किराया देकर यहाँ पर अपना दुकान चलाते हैं यहाँ पर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी तो यहाँ पर भरी पड़ी है और अभी हम जब वीडियो ले रहे हैं तब हम भी पानी में रह के ही ये वीडियो कवर कर रहे हैं, क्योंकि आपको दिखाने के लिए कि एडमिनिस्ट्रेशन आप इसके ऊपर ध्यान दें, क्योंकि देखिए जो है इलेक्शन नहीं हो रही है देन इसी के कारण लोग यहाँ पर काम नहीं कर पा रहे। अभी तो 2 साल बाद तभी तो मतलब इलेक्शन हो चुकी है, नई म्युनिसिपल काउंसिल बन चुकी है, उसके बावजूद भी यहाँ पर काम नहीं हो रहा है। देन म्युनिसिपल सेक्रेटरी मैम आपसे भी हम ये निवेदन करते हैं कि आप भी यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर नज़र बनाएं, क्योंकि ये आज का विषय नहीं है, ये कई दिनों से ऐसा यहाँ पर होता है, तो ऐसा रहेगा तो लोग यहाँ पर कैसा अपना गुजारा करेंगे। बस हम आपसे यही कहते हैं कि लोगों का कहना है कि वो आते हैं सुबह साफ़ सफाई करके निकल जाते हैं, बट फिर भी यहाँ पर ड्रेनेज ब्लॉक आखिर क्यों होती है, तो ये देखना आप लोगों का काम है और जल्द से जल्द जो भी हो सके आप यहाँ पर साफ़ सफाई करें और ड्रेनेज ब्लॉक यहाँ पर क्यों होती है इसका पता लगाएं। और प्रशासन से हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे इस वीडियो के बाद वो जरूर इसके ऊपर एक्शन लेंगे। यहाँ में हमेशा पानी भर जाता है क्या? नाली के बारे में नाली छापा ही नहीं है, बोल के इस तरह होता है ये? कब से होता है? इस साल में ज्यादा हुआ। हाँ इस साल में ही ज्यादा। तो पानी इसी तरह आप लोग यहाँ में आप लोग सामान बिक्री करते, आप लोग मच्छी बिक्री करते, आप लोग यहाँ पर सब्जी बिक्री करते, तो इसमें सब्जी सब खराब नहीं होता? खराब तो होता भाई। हाँ हम लोग को नुकसान भी होता है। हाँ उन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं, उस लोग तो करता ही नहीं। आप बोलो अम्मा, बोलो। इधर पूरा बढ़ता है, वो 12 साल से पूरा बढ़ता है, पानी ऐसे ही रह जाता है, बच्चे किच्चे खराब होता है। कस्टमर भी नहीं आता, गंदा पानी में कोई पाप नहीं लगता। हाँ वो देख के तो लग रहा है यहाँ पर पूरा गंदा पानी है। कस्टमर नहीं आता, कोई कस्टमर उसमें पैदल नहीं आता ना, बस उसमें आता चले जाता, देख के चले जाता, कोई पैदल आने नहीं मनता, मच्छी भी वेस्ट है सब्जी भी वेस्ट हो जाता, बारिश आने से पूरा मुश्किल होता है, पूरा नाली की सफाई नहीं है, कुछ नहीं है, रोड के ऊपर पानी खड़ा रहने से कोई कस्टमर आएगा भाई? और इसी के साथ ही मैं रोहित कैमरामैन योगेश के साथ न्यूज़ आप तक, धन्यवाद। अंडमान
से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।